गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑक्सफर्ड साइंस एकेडमी। आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 का यूनिट नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, डायरेक्टली हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको समझ लेनी होंगी, जैसे कि शुरुआत में ही हमने यहाँ पर लिखा है द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन। तो व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। हाइड्रोकार्बन मीन्स द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट हियर रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फिर से एक बार हम इसे रिपीट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक्चुअली इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम वेयर एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। और अपने चैप्टर का नाम ही है हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यू शुड रिमेम्बर दिस वर्ड हाइड्रोकार्बन देन हैलोजन। तो यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। हैलोजन्स, तो हैलोजन्स कॉमनली रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलोजन्स। तो एक्चुअली दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड दे आर द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दिस इज कॉल्ड एज द हेलोजन्स। सो वी कैन स्टार्ट वेरी डिटेल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हेलोजन डेरिवेटिव्स इन अ सिस्टमैटिक वे। द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड मेनली इन टू वेज। द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। द फर्स्ट वन इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन skeleton to which on the basis of hydrocarbon skeleton to which halogen atom is bonded, the halogen derivatives are classified as haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes and haloarenes. Let's see the examples of these all the four types. Okay, so haloalkanes, CH3CH2X. Okay, so we are taking the classification of halogen derivatives, and we here there is the first type on the basis of hydrocarbon skeleton. So in this type there is the four categories are there: haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes and haloarenes. In the first example here you can see halogen atom is bonded to this carbon atom which is next bonded to the carbon-carbon single bond. That means here
अल्केन इज द कार्बन स्केलेटन और हाइड्रोकार्बन स्केलेटन. दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द हाइड्रोजन. कार्बन हाइड्रोजन, दैट्स वाई वी कैन टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन स्केलेटन. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एक्स. इन दिस एग्जाम्पल दिस हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दैट मीन्स हियर द स्केलेटन इज चेंज बिकॉज हियर द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हियर द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दैट्स वाई इट इज डिपेंड ऑन द हाइड्रोकार्बन स्केलेटन. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी दिस सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एक्स. दिस इज कॉल्ड एज द हेलो अल्काइन. हियर ऑल्सो हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. हियर द सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, हियर द डबल बॉन्ड प्रेजेंट, हियर द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. एंड द लास्ट दैट इज हेलोरिन्स. वॉट इज मीन बाय हेलोरिन्स? वेन दैट हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग देन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज द हेलोरिन्स. तो इन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन यू कैन सी दैट वॉट टाइप ऑफ चेंज इज देयर. इन द फर्स्ट हेलो अल्केन्स देर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दैट मीन्स यू कैन इट इज अल्केन. देन इन द सेकंड टाइप हेलो अल्किन्स देर इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. देन हेलो अल्काइन्स देर इज द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. एंड इन हेलोरिन्स देर इज द बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट. देर इज द बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट. तो दिस इज वेरी सिंपल. देन इन द नेक्स्ट टाइप, द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव इज दिस इज सेकंड टाइप बी टाइप. ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी हियर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हेलोजन derivatives, halogen derivatives are classified as mono di tri or poly halogen, poly halogen compounds. In the second category of the classification, it is depend on number of halogen atoms. It is depend on number of halogen atoms. Halogen derivatives are classified as mono, di, tri or poly halogen compounds. Let's see the examples of this category. Here we can take for example CH3 CH2 X and this is the benzene ring where we can attach this halogen. Okay, so in this category of the examples you can see this here only one halogen atom is present which is bonded to this carbon atom. And in this example also, there is only one halogen atom is present. That's why we can say that this category belongs to monohalogen compounds. This is called as monohalogen compounds. Monohalogen compounds. Okay. Easily you can recognize here. We have taken the type on the basis of number of halogen atoms. Then how many halogen atoms are present in this example? So here also one halogen atom is present. Here also one halogen atom is present. That's why it is called as the monohalogen compounds. Take the next example.
Okay, here CH3 CH XX, then CH2 CH2 X, here also X, and the third example, this is the benzene ring. Here we can attach one halogen, here also one halogen. Now we can see these examples. Okay, this is first one, second one and third one. In every example there are total two halogen atoms are present. Here also 1 2, here also 1 2, and here also two halogen atoms are present. That's why these category of compounds are called as the dihalogen compounds. What it called? It called as dihalogen compounds. Here we can write dihalogen compounds. This is the second category. Then let's take the next examples. Here CH2 CH CH2, here we attach one halogen, here one, and the next okay. So this is the next type of example, where in this example okay total three halogen atoms are present. Here also three halogen atoms are present, and here also three halogen atoms are present. That's why this is called as trihalogen compounds. This is called as trihalogen compounds. Okay, so this is very simple to recognize how we can classify on the basis of number of halogen atoms. So halogen derivatives are classified as mono, di, tri or poly. Suppose more than three halogen atoms are present in the any example, then that category is belongs to the polyhalogen compounds. तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अभी कि हम मोनोहेलोजन कंपाउंड्स किसको कहते हैं, जहाँ पर जिस एग्जाम्पल में सिर्फ एक हेलोजन आइटम प्रेजेंट रहता है. डाइहेलोजन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, जिस एग्जाम्पल में दो हेलोजन आइटम्स एट ए टाइम प्रेजेंट रहेंगे. ट्राइहेलोजन हम किसको कहेंगे, जहाँ पर तीन हेलोजन आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं. तो दिस इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, बट इन दिस चैप्टर, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, हेलोजन डेरिवेटिव्स, वी कैन कंसिडर और वी कैन स्टडी इन वेरी डिटेल, दैट इज मोनो हेलोजन कंपाउंड्स. We should understand what is meant by monohalogen compounds. So where, when only one halogen atom is attached to particular any aliphatic chain or aromatic ring, then this is called as the monohalogen compounds. We will consider classification of monohalogen derivatives in more detail, because this is very important for this chapter. Okay, bacho. So chalo hum start karte hain aage ka topic. That is classification of monohalogen compounds. Let's see. देखिए हमारा जो next topic है, classification of mono हेलोजन कंपाउंड्स. मोनोहेलोजन कंपाउंड्स, तो जनरली दिस मोनोहेलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम. पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम, पोजिशन ऑफ हेलोजन atom and the type of hybridization. Type of hybridization. देखिए यहाँ पर हम अभी किसका classification ले रहे हैं. Now we are taking the classification of the monohalogen compounds.
and the classification of monohalogen compounds further classified on the basis of position of halogen atom, कि एक्चुअली हेलोजन एटम प्रेजेंट कहाँ पर है. एंड द नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ का हाइब्रिडाइजेशन, हेलोजन एटम जिस कार्बन को बॉन्डेड रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है, तो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा. तो दिस टू कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पोजिशन ऑफ हेलोजन एटम एंड द सेकेंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड. देखिए हेलोजन जिस कार्बन को अटैच रहेगा, जिस कार्बन एटम को बॉन्डेड रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करना है, तो उसके ऊपर भी ये बहुत सारा डिपेंड होता है. तो चलो हम इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड्स में हम फर्स्ट लेते हैं, दैट इज द अल्किल हैलाइड्स. अल्किल हैलाइड्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेलो अल्केन्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेलो अल्केन्स. ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मोनोहेलोजन कंपाउंड. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, अल्किल हैलाइड्स. देन वॉट इज मीन बाय अल्किल हैलाइड्स और हेलो अल्केन्स? इन दिस कैटेगरी द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon which is a part of saturated carbon skeleton. Again I am repeating, what is the main condition in the alkyl halides, okay, or it is also called as the haloalkanes? In this category halogen atom is bonded to, here I am writing halogen atom is bonded to sp3 sp3 hybridized carbon atom. So this is very important. This halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom of the saturated carbon skeleton, and the on the basis of this also alkyl halides may be classified as primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. This is very important. We are taking the alkyl halides, okay, or it is also called as the haloalkanes. Hum kisko alkyl halides kahenge? Jab halogen atom aise carbon ko attach rahega jiska hybridization kya hai, sp3 hybridization hai, aur wo kiska hissa rahega? It is the part of saturated carbon skeleton. And the, again we can classify these alkyl halides as primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. Then what is meant by this primary, secondary and tertiary? That means, let's see shortly, we can take the definitions of this primary alkyl halide, which is called as a primary alkyl halide when the halogen atom is bonded to the that carbon atom which is attached to other only one carbon atom. That means halogen atom is bonded to the primary carbon atom because that carbon is bonded to other only one carbon atom. What is meant by secondary alkyl halide? The halogen atom is bonded to the secondary carbon atom. And the, what is meant by tertiary alkyl halide? The halogen atom is bonded to the tertiary carbon atom. You also studied these topics in the your previous class, that is in 11th standard. Okay, so let's see the examples of the general examples of the primary alkyl halide, secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide. Okay, this one RCH2X, here this halogen atom is bonded to primary carbon atom. That's why it is called as the primary alkyl halide. Take the next example. You can represent in this way also, primary. Okay. Then next example, RCHR and here X. Here this halogen atom is bonded to the
secondary carbon atom. That's why it is called as a secondary alkyl halide. And the third example, that is R, C, R, R, and X. This is called as tertiary alkyl halide because this halogen atom is bonded to tertiary carbon atom. So this is very simple. Alkyl halides are further classified as primary, secondary and tertiary alkyl halides. Okay bachcho, so I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. तो हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं. जैसे हमने पहले लिया अल्किल हैलाइड्स, तो इसका नेक्स्ट जो टाइप है हमारा, दैट इज क्लासिफिकेशन का अलिलिक हैलाइड्स, विच इज द नेक्स्ट वन, दैट इज यहाँ पर लेते हैं बी टाइप, दैट इज अलिलिक अलिलिक हैलाइड्स. Allylic halides. Let's see the example of the allylic halides. CH2 double bond, CH single bond, CH2 X. And the second example, okay. So in this category, allylic halides, which exam in which term we can call, or in which structure is called as the allylic halides. So in this, in allylic halides, the halogen atom is bonded to, again here the hybridization of this carbon is sp3. It is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond. Dekho bachcho, it is very simple. Allylic halides, kisko hum allylic halides kahenge? Allylic halides mein kya hota hai? Halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is next bonded to carbon carbon double bond. देखो ये halogen atom जिसको attach है उस carbon का hybridization क्या है? sp3 hybridization है. और वो carbon next किसको attach है? carbon carbon double bond को attach है. यहाँ पर भी देखिए halogen atom जिस carbon को यहाँ पर attach है उसका hybridization है sp3, और वो next किसको अटैच है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को. अगर ऐसी सिचुएशन आती है एग्जांपल में, अगर ऐसी कंडीशन रहती है, देन दिस इज सिंपली कॉल्ड एज द अलिलिक हैलाइड्स. ओके, तो वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप. ओके, नेक्स्ट वन इज द सी क्लासिफिकेशन का बेंजाइलिक बेंजाइलिक हैलाइड. ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं हम. CH2X. ओके, यू कैन टेक द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो. Okay, then which is called as the benzylic halide. In benzylic halides, this halogen atom again bonded to, it is again bonded to sp3 hybridized carbon atom. The hybridization of this carbon atom is sp3. This carbon atom is also hybridization having sp3 hybridization. And in this category, benzylic halide. So benzylic halides. The halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom in which is further bonded to an aromatic ring. It is bonded to aromatic ring. Dekho bachcho, it is very simple to understand. Kisko hum benzylic halides kahenge? Benzylic halides mein jo halogen atom hai wo sp3 hybridized carbon ko juda hua rehta hai. और वो नेक्स्ट किसको जुड़ा हुआ रहेगा? एरोमेटिक रिंग को. अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. देखिए इस एग्जांपल में भी देखिए,
हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और वो नेक्स्ट किसको अटैच है, वो कार्बन एटम, इट इज अटैच टू द एरोमेटिक रिंग। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग एंड दिस इज द ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। सो चलो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा डी, दैट इज विनाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट इज दैट विनाइलिक हैलाइड्स। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ द विनाइलिक हैलाइड्स, CH2 डबल बॉन्ड CHX। यू कैन टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, तो दिस इज द टू एग्जाम्पल्स आर हियर। तो इन विनाइलिक हैलाइड्स व्हाट इज द इम्पोर्टेंट कंडीशंस इन द विनाइलिक हैलाइड्स, इन विनाइलिक हैलाइड्स दिस हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इट इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को अलिलिक किसको कहते हैं और विनिलिक किसको कहते हैं यही समझ में नहीं आता है। तो दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, किसको हम विनाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। विनाइलिक हैलाइड्स में ये जो हैलोजन एटम जो रहता है वो कौन से कार्बन को अटैच रहेगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। और sp2 के लिए क्या होना चाहिए वहां पर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो, देखो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2, इट इज द पार्ट ऑफ द रिंग बट इट इज अटैच टू, दिस हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विनाइलिक हैलाइड्स, और यू ऑल्सो कॉल इट विनिलिक हैलाइड्स। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा हेलो अल्काइन। नेक्स्ट टाइप है हमारा दैट इज ई हेलो अल्काइन्स। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी, CH ट्रिपल बॉन्ड CX। ओके, इन दिस कैटेगरी हेलोजन एटम, दिस हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इट इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द हेलो अल्काइन। ओके, इट इज सिंपली टू नो दैट इफ देर इज अ कार्बन कार्बन सिंबल सिंगल बॉन्ड देन वी कैन कॉल इट अल्केन, इफ देर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एज द अल्किन, एंड इफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड एज द अल्काइन। दिस इज वेरी बेसिक, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो देखो हेलो अल्काइन्स किसको कहेंगे हम, जब हेलोजन एटम किसको बॉन्डेड रहेगा, इट इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द इन दिस कैटेगरी दैट इज नेक्स्ट वन, अरिल हैलाइड्स। अरिल हैलाइड्स और हेलो अरिन्स। ओके, तो दिस इज द लास्ट टाइप इन दिस कैटेगरी। ओके, वी कैन टेक द डायरेक्टली टेक द एग्जाम्पल्स। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड विच इज कॉल्ड एज द अरिल हैलाइड्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ओके दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द अरिल हैलाइड्स। इन अरिल हैलाइड्स हैलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। ओके, विच किसको हम अरिल हैलाइड्स कहेंगे। अरिल हैलाइड्स में ये जो हैलोजन एटम होता है, दिस हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। कौन से sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम को अटैच रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, देन उस कैटेगरी को हम कहते हैं अरिल हैलाइड्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।